नगर निकाय के चुनाव में जनता कूड़ा, गंदगी और सफाई के लिए वोट देने जा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान चलाया, देश के बड़े बड़े लोगों को झाड़ू पकड़ाया, स्वच्छता अभियान में सेस लिया गया डीजल, पेट्रोल और संस्थाओं से, और उसके बाद भी कूड़ा है, गंदगी है, हाउस टैक्स बढ़ गया, वाटर टैक्स बढ़ गया, पानी है नहीं, शहरों में ट्रैफिक की समस्या है, आपके स्मार्ट सिटी बने नहीं, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बड़े मुद्दे हैं, शहरों में आबादी बड़े पैमाने में, और फिर महंगाई, गेहूं तो खरीद लिया आपने किसान से और आटा कितना महंगा दे रहे हैं आप, सरसों खरीद ली सस्ती किसान से और आपने सरसों तेल कितना महंगा दिया, दाल महंगी, आलू आपने पूछा नहीं किसान का, अभी सब प्राइवेट कंपनियां आपका गेहूं खरीद के चले जाएंगे, बिस्किट कौन खाएगा शहर में गाँव में, तो बिस्किट की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है, तो ये बड़े सवाल हैं। इसलिए आप पत्रकार साथियों हमारी मदद करो, नहीं मैं महंगाई की मार से आपको भी मार देंगे। अरे बीजेपी वाले बोल रहे हैं ओबीसी का अपमान है, इन बीजेपी वालों से पूछो कि हमारा घर जब खाली हुआ, मुख्यमंत्री आवास जब खाली हुआ, इन्होंने गंगा जल से क्यों धुलवाया, इन बीजेपी वालों पे कोई जवाब है इस बात का, क्या आप किसी का घर गंगा जल से धुलवाएंगे, और फिर पिछड़ों का सबसे बड़ा सम्मान, हमारे बहुजन समाज का सबसे बड़ा सम्मान, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण, क्या आरक्षण को ख़त्म करना नहीं अपमान है, क्या समाजवाद को अपमानित करना क्या नहीं है अपमान पिछड़ों का, और फिर आरक्षण सबसे बड़ा सम्मान है पिछड़ों का और बहुजन समाज का, उसको कौन छीन रहा है, सम्मान छीनना आरक्षण छीनना बराबर है।